देना। लोगों कभी किसी बुजुर्ग के गुस्ताख मत बनना, कान खोल कर सुन लीजिए। आप जिससे मुरीद हैं सुभान अल्लाह आपको मुबारक, अच्छा पीर होना चाहिए। हाँ, गलत पीरों की ज्यादा मुझसे ज्यादा ऑपरेशन कोई नहीं करता है, ये मैं पहले बता रहा हूं। जो जो गलत हैं, जो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं, जो ऐसे हैं बदअमल खुद भी हैं और मुरीदों को भी बदअमल करते हैं, खुदा की कसम उनका खुला चैलेंज मैं करता हूं। लेकिन जो मेरे बुजुर्ग हैं वो किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी खानकाह का हो, कहीं का हो, मेरे सर का ताज है। जिस दिन ये चीज पैदा कर लोगे अल्लाह तुम्हारे अंदर कमाल पैदा कर देगा। कभी बुजुर्गों से पंगा मत ले लेना, बुजुर्गों का मारा कहीं नहीं टिकता। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बुजुर्गों का मारा कहीं उसे पना ही नहीं है। हाँ, ना यहां पना ना वहां पना, बुजुर्गों से कभी पंगा ना लेना। हाँ, जो ढकोसलेबाज हैं उनको मैं छोड़ता नहीं, उनके लिए मेरा खुला चैलेंज है। फिर वो लोग मुझे जान से मारने की भी धमकियां देते, मगर यार मैं तो तुम्हें बता के जाऊंगा ना हक रास्ता क्या। फिर तो मैं ये बता के जाता हूँ, अच्छा पीर मिले तो दामन पकड़ के मचल जाना, और अगर कोई अच्छा ना मिले तो इन ढकोसलेबाजों से बेहतर है घर में चला जाओ, अपनी माँ का तलवा दवा दे, माँ से दुआ करा ले, सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इससे बड़ा कोई पीर ही नहीं है ही नहीं। मैंने मदरसा बनाया ना, तो मैं सोच रहा है किसे बुलाऊं किसे बुलाऊं किसे बुलाऊं। मुझे एक मौलाना साहब ने कहा, मेरे उस्ताद है, बोले किसी को मत बुलाओ, बोले मौलाना गुलफाम अपनी अम्मी अब्बू को बुला के उनके हाथों से ईंटा रखवा दो और उनसे दुआ करा दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे वालिदैन ने दुआ की और ईंटा रखा सबसे पहला। मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी अल्लाह इतना बड़ा मदरसा बनवा देगा। आज करोड़ों रुपए का काम मदरसे में हो चुका। मेरी क्या औकात है, ये सब माँ बाप की दुआओं का सदका है। आप समझ लीजिए, आप लोगों सारी कामयाबी की कुंजी माँ बाप के हाथ में रख दी अल्लाह ने। तुम माँ बाप को नाराज करके कितने भी हम जैसे मौलवियों से दुआएं करा लो, काम नहीं, कामयाब नहीं होंगी। माँ दुआ करे फिर हम जैसे मौलवी भी दुआ करे, तो माँ के सदके में ना उधर होती ही तेरी दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रास्ता माँ से होकर जाता है। कमरा बंद है, दरवाजे की चाबी कमरे की माँ और बाप पे रख दिए। अब माँ बाप से तू बात नहीं कर रहा, इमाम साहब के पास जा रहा, हजरत मेरा दरवाजा खोल दो। कहां से खोलेंगे, चाबी तो अम्मा के पास रखी है, अब्बा के पास रखी है। अम्मा अब्बा से कहो, अम्मा अब्बा तुम मुझे चाबी दे दो, फिर इमाम साहब से कहो हजरत दुआ करो कि दरवाजा अच्छे से खुल जाए। जब चाबी माँ दे देगी ना, और जब इमाम साहब दुआ कर देंगे ना, तो फिर देख तेरे कमरे का दरवाजा खुलेगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। अब बताओ ना मोहब्बत, आगे बढ़ू मैं आपको, तवज्जो करना। ईदिन सिरातल मुस्तकीम, जब तक के सच्ची मोहब्बत नहीं होगी अल्लाह उसके रसूल से सीधा रास्ता भी नहीं चल सकते। हद ये है कि कुरान के तर्जमों में बहुत डिफेक्ट है, फर्क है। आप आला हजरत का तर्जमा देखे, दूसरों का तर्जमा देखे, क्यों फर्क है? जिसने मोहब्बत में तर्जमा किया सही हो गया, और जिसने मोहब्बत में ना किया वो तर्जमा सही कर पाया। कुरान का तर्जमा बिना मोहब्बत से हो ही नहीं सकता। वजदा का गौलन फहदा, ये जब तर्जमा किया ना बिना मोहब्बत वालों ने, तो इन्होंने क्या तर्जमा किया? ए महबूब, जब हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दे दी। माज़ल्ला, जब नबी गुमराह थे तो फिर हिदायत किस, हिदायत पे कौन था भाई? यार एक बात बताइए, जब नबी गुमराह है तो फिर हिदायत पे कौन है? लियगफिर लक अल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिक, तर्जमा किया बिना मोहब्बत वालों ने क्या कि ए हबीब, ए मुस्तफा, ए मोहम्मद, हमने तुम्हारे अगले और पिछले गुना माफ कर दिए। जब नबी भी गुना कर रहे थे तो फिर बेगुना वाला कौन होगा दुनिया में? यार एक बात बताइए जरा मुझे, लेकिन आइए आला हजरत की बारगाह में। सुभान अल्लाह, यार आला हजरत तो कहते हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? और एक शेर में तो कहते हैं ए इश्क तेरे सदके, उन्होंने तो नमाज का भी जिक्र नहीं किया, रोजे का जिक्र नहीं किया, हज का जिक्र नहीं किया, ज़कात का जिक्र नहीं किया, किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया। वो तो खाली मोहब्बत को लेके चले गए, बोले ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और एक शेर में और कहते हैं आला हजरत, कबाब आहू मैं भी ना पाया, कहते हैं सबसे मजा कबाब होता है हिरन का, सबसे मजा।
कबाब आहू, आहू कहते हैं फारसी में हिरन को, कबाब आहू हिरन का कबाब। कह रहे जो नबी की मोहब्बत में जल के दिल कबाब बनता है, तो जो मजार नबी की मोहब्बत के जले हुए कबाब वाले दिल में है, वो मजा हिरन के कबाब में कहां है। कहते कबाब आहू में भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। सुभान अल्लाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, जमाना दाढ़ी तो हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। मुस्तकीम होगा तो फिर मोहब्बत सच्ची होगी, तो इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलो। ये सब तर्जमे गड़बड़ा क्यों गए? मोहब्बत नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का चश्मा लगाकर जब तर्जमा किया आला हजरत ने, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك। आला हज़रत तर्जमा फरमाते ए महबूब, हमने तुम्हारे सदके में तुम्हारे अगले और पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह। अरे यार कह दो ना सुभान अल्लाह। भाई तर्जमे में फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? एक तो ये है कि तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए, और एक तुम्हारे सदके में लोगों के गुनाह माफ कर दिए। भाई बड़ा फर्क है, बड़ा घोटाला हुआ है। जहां मोहब्बत ना देखो गुजरना मत उधर से बिल्कुल भी। हाँ, मोहब्बत में भी घोटाला किया हम लोगों ने, मोहब्बत में घोटाला किया है, और लोगों ने दीन में घोटाला किया है। हाँ सुभान अल्लाह। तो आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। तवज्जो है ना? जी जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। किन का रास्ता चला या अल्लाह? जिन पर तेरा इनाम हुआ उनका रास्ता चला। या अल्लाह तेरा इनाम किस पर हुआ? तो जवाब मिलेगा गौसे आदम पर हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस पर हुआ अल्लाह का इनाम? गौसे आदम पर। उठ के कोई नहीं जाए। भाई आप उठोगे तो मैं आपसे पहले उठ जाऊंगा, इसलिए कि दो घंटा और मैं तकरीबन 5 मिनट बोल चुका हूँ। अब तो सुई बहुत ओवर टाइम जा रही है, अब तो आप ही रोक सकते हो बस मुझे।